मोटी और पतली वस्तुओं को पहचानना भाग एक। आज हम बच्चों को मोटी और पतली वस्तुओं के जोड़े बनाना सिखाएंगे। पिंकी, चूल्हा लगाने के लिए क्या सामान चाहिए? एक लकड़ी का फट्टा और एक रस्सी, बस। लकड़ी का फट्टा तो यहीं सामने है। हाँ छोटू, चलो रस्सी माँ से ले आते हैं। पिंकी और छोटू मम्मी से रस्सी लेने जाते हैं। मम्मी, हमें झूला डालने के लिए रस्सी चाहिए। ठीक है छोटू, अंदर दो रस्सियाँ रखी हैं। जाओ वो ले लो। ठीक है मम्मी। छोटू अंदर से दोनों रस्सियाँ बाहर ले आता है। ये रही रस्सियाँ। चलो झूले के लिए एक रस्सी ले लेते हैं। ये वाली रस्सी बहुत सुंदर है। हाँ, ये वाली ले लेते हैं। बच्चों, ये रस्सी तो पतली है, इससे अगर झूला बनाया तो तुम्हारे बैठते ही झूला टूट जाएगा। अच्छा मम्मी, अब क्या करें? बच्चों, तुम्हें इस मोटी रस्सी का झूला बनाना चाहिए, वो तुम्हारे बैठने पर नहीं टूटेगा। बच्चों, आपको क्या लगता है, क्या ये रस्सी पहले वाली रस्सी से मोटी है? पिंकी, हम इस रस्सी से झूला लगाते हैं क्योंकि ये रस्सी पहले वाली रस्सी से मोटी है। शाबाश बच्चों, तुमने देखिए, मैंने यहाँ तीन मोटी और पतली वस्तुओं के जोड़े बनाए हैं। अब छोटू और मेरी तरह आप भी अपने बच्चों से मोटी और पतली वस्तुओं के तीन जोड़े बनवाएं और उनकी तस्वीर लेकर व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दें।